मॉर्निंग, इट्स अ वंडरफुल डे। अभी हम स्टार्ट करने वाले अपनी जर्नी सर्चु से। आज की जर्नी है लद्दाख लेह तक की। यहाँ से 248 किलोमीटर्स है। दिस इज बेसिकली द व्यू राइट नाउ। ज़्यादा लाइट नहीं थी यहाँ पे, रात को सिर्फ 7 to 11 ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है जब ये लोग जनरेटर्स ऑन करते हैं। उसी टाइम पे वी आर एबल टू चार्ज आवर फोन्स एंड गैजेट्स। एनीवेज वी विल बी ड्राइविंग, सो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू शूट मोर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, एवरीबॉडी रेडी? प्रोबेबली इन दोनों में से मैं कुछ चलाने वाला हूँ। रात को अंधेरे में शूट नहीं कर पा रहे चीज। अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। हेय, हाउ आर यू? वेरी फाइन, ऑसम। यो, आई एम बैक। हाय, वी आर डन विद द फूड ब्रेकफास्ट। डिडंट डू हैवी ब्रेकफास्ट, आई जस्ट सेड पराठा, हाफ पराठा एंड मे बी इन हाफ एन आवर विल बी लीविंग। प्लान वॉज टू लीव बाई 8, बट आई डोंट थिंक सो। द ब्रीफिंग इज गोइंग ऑन, गोइंग टू स्टार्ट इन 5 मिनट्स। सो विल बी टेकिंग दिस कार विद अस। दिस इज महिंद्रा, ये हमारा बैकअप व्हीकल है। These are the bikes, all beast aligned together in a row. This is our luggage, our fuel, extra fuel. The pillion rider is tired, person can sit inside. So, कैसी लगी ये जगह? मैं, मुझे तो first time experience किया है सच टू, and it is next level literally. और यहाँ की ठंड एक अलग level की ठंड है, like there's it's a dry cold. Feels like the skin is getting teared up. If I do this, I get to see the scratch marks. The best part of this trip is we have great views and great motivation. Hey, so these guys are issuing something. ये क्या जैकेट क्या हमारा यूनिफॉर्म है? Reflectors. ये ready, set to go. Awesome. आप अकेला नहीं होगा ना, अभी जाओ आप अगेन। अब हम पहुंच गए हैं करीब 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद। इस जगह का नाम है पंग। तो यहाँ पे आप लोगों को सिग्नल मिल जाएगा, बट ओनली पोस्टपेड सिम्स विल वर्क बिकॉज ये जम्मू के अंदर आता है। छोटी सी जगह है, कुछ घर बने हुए हैं, मोस्टली खाली है, बट खाने पीने को सब मिल जाएगा और पीपल से सिग्नल भी मिलता है, बट मेरा प्रीपेड सिम है सो आई एम नॉट गेटिंग एनी सिग्नल। People are coming on cycle. See, these three people came on cycle. We met them on the way. These guys are next level. Road life for them is 150 kilometers. चलो रोड अच्छा है यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये हमारे मैकेनिक भाई हैं, इनके भरोसे ही हम चल रहे हैं। रोड बन रहा है भैया। रोड क्या? हाँ जी, चलो इसके बाद हमारी 180 किलोमीटर्स की ड्राइव है और हम आई डोंट थिंक सो कोई स्टॉप लेंगे। स्नो, स्नो इज देयर या स्नो? मेरी भी। Yeah.
टाइम पे कहाँ पहुँचने वाले हैं? दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू रीच राइट नाउ। ये देखिए, यू कैन सी, और बर्फ से पड़ने लग गई है। लगला और स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। आई शो यू माय बाइक, सी फक नाइस यार, लाइक मैं फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहा हूँ ब्रो। लाइक मैं पहली बार स्नो देखी है खरदंगला पास स्टॉप पे जाके। ये है 17,000 feet, 17,000 feet समथिंग ये है। तकलंगला। सारा 1582 feet है टू बी स्पेसिफिक। सो दिस इज द टेम्पल, सी इट्स स्नोइंग एवरीवेयर। बहुत ठंड है, ज़्यादा शॉट नहीं ले पा रहा मैं, बड़ी मुश्किल से। यहाँ थोड़ी गर्मी मुझे मिल रही थी क्योंकि हवा नहीं आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सा कोजी फील हो रहा है कंपैरेटिवली। एक और बात पता चली मुझे आज, ओनली 20% ऑफ पीपल हु विजिट लेक गेट टू सी दिस। सी ओनली 20% पीपल हु विजिट लेक गेट टू सी दिस, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। ये सारी स्नो अभी फ्रेश पड़ रही है, यानी अब हम ऊपर थे तो उस समय बर्फ पड़ रही थी। बट या थैंक्स टू दिस बाइक, दिस बाइक मेड दिस जर्नी सो रिलायबल, सो यू नो अमेजिंग। दिस इज लेजेंड।